सनातनी विधायक के तौर पर अपनी छवि से खास पहचान रखने वाले विधायक गोलू शुक्ला कांवड़ यात्रा के ऐतिहासिक आयोजन के बाद अब मात्र शक्ति जलाभिषेक यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा में हजारों महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। इसी आयोजन को लेकर देखिए एमएलए गोलू शुक्ला से एमपी न्यूज की ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूँ शैली चौहान। एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एमएलए गोलू शुक्ला जी से, जो भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 महिला इसमें शामिल होगी, तो इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सर, आपने जो ये यात्रा का पूरा आयोजन किया है, तो आपके दिमाग में मतलब क्या विचार आया कि मुझे महिलाओं को लेकर ये यात्रा निकालनी चाहिए? मातृशक्ति जलाभिषेक यात्रा भगवान महादेव के सोमवार के दिन यह यात्रा रखी गई है। हम जो बड़ी कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जो महेश्वर से महाकालेश्वर तक निकलती है, उस यात्रा में मातृशक्ति जा नहीं पाती है, क्योंकि वो 8 दिन की यात्रा रहती है और जंगलों में रुकना पड़ता है और रात्रि विश्राम जगह जगह मतलब होता है, तो उसमें मातृशक्ति की बहुत इच्छा रहती है। तो हमने मातृशक्ति के लिए एक जलाभिषेक यात्रा गांधी हाल गोपेश्वर महादेव मंदिर से जबरेश्वर महादेव मंदिर राजवाड़ा तक का करने का फैसला किया है, जिसमें लगभग हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की 20,000 मातृशक्ति शामिल होंगी। कल सुबह 11 बजे ये यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि रिवरसाइड रोड किशनपुरा राजवाड़ा होते हुए जबरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी और वहाँ भगवान महादेव का जलाभिषेक करके देश में सुख समृद्धि वैभव लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि बुद्धि की कृपा बनी रहे, इसी कामना को लेकर यात्रा की जा रही है। तो ये जो पूरा रूट रहेगा जिसमें पूरी यात्रा निकलेगी, तो उसमें कोई खास गतिविधियां रहेगी जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ नया हुआ है? अब अपने आप में 20,000 महिलाएं निकलना एक बहुत बड़ी बात है, तो इतनी सारी महिलाएं निकलेंगी, उनके साथ झांकियां रहेंगी, भजन मंडल भजन की गाड़ियां रहेंगी, लक्ष्मी पांडे भजन गायिका रहेंगी और भी बैंड रहेंगे, तो सभी संसाधन सारे रहेंगे और खूब भगवान की भजन करते हुए यात्रा निकलेगी। ये अहिल्या देवी की 300वें जन्म शताब्दी पर ये दिन पर निकली जा रही है यात्रा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये यात्रा माता अहिल्या को ही समर्पित है, उनके 300 जन्म जयंती के अवसर पर ही ये यात्रा का आयोजन हो रहा है। हमारी अहिल्या माता से प्रेरणा लेके मातृशक्ति ये यात्रा निकाल रही है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये यात्रा निकल रही है। ये इतनी पूरी जो इतनी बड़ी यात्रा निकलेगी उसमें इतनी सारी महिला है, तो इनको आपने कैसे प्रेरित किया कि इसमें शामिल हो, और सारे भजन मंडली भी रहेगी, तरह तरह की झांकियां, और इनकी सुरक्षा व्यवस्था आपने कैसे की है? हमारे करीब 150 वॉलेंटियर रहेंगे, जो कार्यकर्ता पूरी यात्रा को व्यवस्थित निकल जाए, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना हो। हमने पूरे हमारे विधानसभा के 10 ही वार्डों में बैठक करके इस यात्रा का आयोजन करने का निश्चय किया। हर वार्ड से किसी से 1,000, किसी से 1,500, किसी से 2,000, इस तरह से महिलाएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से बहुत भव्य यात्रा होगी। जैसे आपने अभी तक पहले भी आपने काफ़ी समय से आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, इस बार भी, और इस बार कुछ नया है इस कांवड़ यात्रा में, तो अब आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, दूसरे भी वार्ड के और पूरे देश भर में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, यही हमारा उद्देश्य है। धर्म की जय जयकार होती रहे, हमारी सनातन धर्म से लोग जुड़े, यही हमारा उद्देश्य है और इसी को लेकर हम चल रहे हैं। ये थे हमारे साथ गोलू शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि कैसे पूरी यात्रा निकलेगी और इसमें महिलाओं की कितनी और क्या भागीदारी रहेगी। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।